तो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर, तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। इस साल का फोर्थ नंबर ब्लॉकबस्टर है आपका एनिमल, और एनिमल के सक्सेस के बाद आप काफी रेस्ट ले रहा है रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर इसके बाद एक फिल्म स्टार्ट करने वाला है। एक्चुअली किशोर कुमार का जो बायोपिक उन्होंने करने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया अनुराग बसु का, तो इस वजह से वो नेक्स्ट फिल्म स्टार्ट करेंगे आपका अराउंड फरवरी मार्च से। तो जनवरी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, और नेक्स्ट फिल्म उसका होने वाला है आपका रामायण। और इस फिल्म की उनकी ऑपोजिट में है आपका शाही पल्लवी। तो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे नितेश तिवारी, जिन्होंने आपका दंगल और छिछोरे जैसे फिल्म, और हाल ही में आपका जो वरुण धवन के साथ जो बावल फिल्म रिलीज हुआ था वो भी उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, इसके पहले रामायण के ऊपर एक फिल्म बना था आदि पुरुष, उसके हाल क्या हुआ बॉक्स ऑफिस में, लोगों को कई सारी चीज उनकी पसंद नहीं आया, VFX से काम, और जिस तरह के सीता को लेकर गया रावण वो जो पोर्शन, कई सारे पोर्शन लोगों को पसंद नहीं आया। तो इसलिए नितेश तिवारी काफी आप कह सकते एवर है कि इस फिल्म को लेकर कि उस प्रकार के कुछ ना हो, तो इसलिए इसके अभी तक स्क्रिप्टिंग चल रहा है, और खास करके 3D की जो काम है, मतलब VFX का जो काम है उस पर बहुत ही ज्यादा माइनोरिटी दिखा जा रहा है। तो और इसके लिए इसकी प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3D स्कैनिंग सिस्टम यूज किया जाए, स्कैनिंग फेस सिस्टम, और अलग से टेक्नोलॉजी भी यूज किया जाएगा। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपका रणबीर कपूर जनवरी में आपका लॉस एंजलिस जा रहा है, और ये रामायण फिल्म की जो VFX का काम कर रहा है वो है आपका DNFG कंपनी लॉस एंजलिस का, जो कई सारे हॉलीवुड यानी इंग्लिश फिल्म ऑस्कर विनिंग इंग्लिश फिल्म की आपका VFX का काम किया है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए रणबीर कपूर जनवरी में लॉस एंजलिस जा रहा है, 2 महीने प्रिपरेशन लेगा, क्योंकि वहां पे उनकी फेस 3D फेस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा उनकी फेस के इस तरह से, और बाकी की जो स्टार है वो एक एक करके जाएंगे। और इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होगा आपका अराउंड फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर से, और रिलीज होगा 2025 के आपका एंडिंग में, अराउंड कह सकते अराउंड 2 साल के बाद, एनिमल के 2 साल के बाद रणबीर कपूर का नेक्स्ट फिल्म रिलीज होगा, बहुत लंबा गैप हो जाएगा। फिर भी उनको ये फिल्म के बारे में काफी लगाव है, और ये फिल्म आपका 3 पार्ट में आ रहा है। पहला पार्ट में दिखाया जाएगा राम सीता और हनुमान को, और रावण का थोड़ा सा हिस्सा जिस जहां पे उन्होंने सीता को हरण किया उस पोर्शन थोड़ा दिखाया जाएगा। सेकेंड पार्ट में आएगा जो रावण है उनकी जो कैरेक्टर को बिल्डअप दिया जाएगा, और थर्ड पार्ट में और राम रावण का जो जंग हुआ था वो होगा, मतलब 3 पार्ट में ये दिखाया जाएगा। और यश इस फिल्म का आपका रावण का रोल कर रहा है, हनुमान का रोल के लिए सनी देओल की अप्रोच किया गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो रावण का रोल कर रहा है यश, यश इस शूटिंग में आपका जुलाई से मतलब ज्वाइन करेगा नेक्स्ट ईयर के जुलाई में। पहले ये आपका जो रणबीर कपूर और शाही पल्लवी है वो लोग पहले शूटिंग करेंगे, तो जुलाई से यश ज्वाइन करेगा। आपका टॉक्सिक फिल्म जो कर रहा है गीतू मोहनदास का जो टॉक्सिक फिल्म कर रहा है वो फिल्म करने के बाद ही आपका ये जो है इस फिल्म में ज्वाइन करेगा। और रावण का पोर्शन का शूटिंग आपका श्रीलंका में होने वाला है, यस रावण का पोर्शन का शूटिंग पूरा श्रीलंका में होने वाला है, और ये फिल्म काफी लंबा चलने वाला है, अराउंड 1 साल के ऊपर शूटिंग होगा, क्योंकि 3D का काम है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आएगा। तो पहले जो पार्ट है वो पहले पार्ट रिलीज होगा 2025 के सेकेंड हाफ में, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा मतलब काफी लंबा चलेगा, आपसे कह सकते हैं कि 2026 तक ये मूवी चलेगा, 3 पार्ट पर एक के बाद एक आएगा। तो एक साथ ही सारे पार्ट का शूटिंग कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि फेस बदल जाता है और उसके लिए काफी प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए पहले सारे जो पार्ट है सारे पार्ट का शूटिंग एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते अब क्या होता है इस प्रकार इस ये फिल्म का, क्योंकि ये फिल्म के बारे में काफी हाइप ज्यादा है, इसके बजट भी बहुत ही ज्यादा है, सुनने में आ रहा है 3 पार्ट मिलाकर 500 करोड़ से ऊपर बजट जाने वाला है। तो देखते हैं आखिर में ये मूवी क्या होता है, क्योंकि पिछले जो आदि पुरुष इसी टॉपिक के बना था रामायण, तो उसकी तो हाल बेहाल हो गया था। तो होपफुली ये मूवी रणबीर कपूर के करियर का और भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा एनिमल से। एनिमल ऑलरेडी तो 400 करोड़ प्लस कलेक्शन कर लिया है, तो देखते ये मूवी आखिर में क्या रंग लाता है रणबीर कपूर के करियर में। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।